हाय एवरीवन, आज हम लोग हैमिल्टन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो इक्वेशन है वो भी हम लोग साथ में डिराइव करेंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक जो है हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए भी अलग इक्वेशन होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए भी अलग इक्वेशन होता है। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम लोग डिराइवेशन पार्ट पर भी जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, आपके पास दो पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है ना। तो ए और बी से जाने के लिए आप लोग अलग अलग पाथ चूज कर सकते हैं, यानी कि देखिए ऐसे आप लोग चूज कर सकते हैं। ये वाला एक पाथ हो सकता है जिसे मैं पाथ P1 नाम दे सकता हूं, है ना। आप लोग ऐसे भी जा सकते हो, P2 पाथ हो सकते हो। तो आप लोग कैसे जाएंगे ताकि जो A और B पर आप लोग रीच कर सके, यानी कि पॉइंट A से पॉइंट B पर जाने के लिए, है ना, आप लोग कौन सा पाथ चूज करेंगे, ये हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल आपको बताते हैं, है ना। ये कहता है कि आप लोग जो है ये सिस्टम जो है A और B पर उस पाथ पर जाएंगे जिसका जो एक्शन फंक्शन है वो क्या है, एक्सट्रीमम है। एक्शन फंक्शन मतलब क्या होता है, एक्शन फंक्शन मतलब मान लीजिए इस पॉइंट पर, है ना, जो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टी माइनस वी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग एल से डिनोट कहते हैं, यानी कि लैग्रांजियन या एक्शन फंक्शन आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी माइनस वी, है ना। मान लीजिए इस पॉइंट पर जो टी माइनस वी का वैल्यू होगा वो अगर मिनिमम या सुप्रीमम, यानी कि मिनिमम आता है या मैक्सिमम आता है, तब क्या होता है, ये पाथ चूज करेंगे। अगर मिनिमम या मैक्सिमम ना आके बीच में से कोई वैल्यू आ रहा है तो ये पाथ चूज नहीं करेंगे, है ना। यानी कि आप लोग स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, ए सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम पाथ ए टू बी फॉलोज दैट पाथ फॉर विच एक्शन फंक्शन इज एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम मतलब सुप्रीमम या मिनिमम, है ना, यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम, एंड ऑल्सो एट एन पॉइंट्स, है ना। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ तक समझ गए, है ना, वो पाथ चूज करेंगे जहाँ पर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीमम होगा, ठीक है ना। तो ये मैं रैप कर देता हूँ। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, एन पॉइंट्स पर, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, ए और बी पॉइंट पर क्या हो रहा है, ए और बी पॉइंट पर कोई चेंज होगा क्या, कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि टी माइनस बी का वैल्यू चेंज होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एट एन पॉइंट ए एन बी वेरिएशन इज जीरो, चेंज कुछ भी नहीं होता है ना। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है इस पाथ पर हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो चेंज हो रहा है, जिसे हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो एल है, एल मैंने आप लोग को बताया था टी माइनस वी, है ना, एल मतलब क्या है, वेर एल इज इक्वल टू टी माइनस वी आप लोग लिख सकते हो, यानी इसे एक्शन फंक्शन कहो या आप लोग क्या कहो, लैग्रांजियन कहो, है ना। तो जो इंटीग्रेशन होता है इसका टी वन से टी टू, मान लीजिए यहाँ पर टी वन टाइम पर है और टी टू टाइम पर वहाँ पहुँच गया, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जो चेंज हो रहा है वो यहाँ और यहाँ पर जीरो हो रहा है, यानी कि चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका वैल्यू ये होगा, और इसका डिराइवेशन भी हम लोग करेंगे। और ये जो है ये है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ये किसके लिए है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है, है ना। और जो नेक्स्ट आप लोग इक्वेशन देख रहे हो, है ना, डेल ओमेगा, ओमेगा नहीं एक्चुअली ये है डब्ल्यू प्लस डी, है ना, देखने में ओमेगा जैसा लग रहा है, तो आप सॉरी ये क्या है, डब्ल्यू प्लस डी, डब्ल्यू मतलब वर्क डन, डब्ल्यू मतलब क्या है, वर्क। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कोई ना कोई तो वर्क डन करना पड़ेगा ना, है ना। उसको अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी के साथ प्लस कर दे तो वो क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेशन, ये भी जीरो हो जाते हैं, है ना। तो ये भी हम लोग को साथ में क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। और ये किसके लिए है, ये इक्वेशन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, किसके लिए है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग पहले डिराइवेशन पार्ट पर चलते हैं, है ना, ध्यान से देखना। हम लोग ये डिराइव करेंगे, प्रूफ जो है, प्रूफ हम लोग किसके हेल्प लेके डिराइव करेंगे, फ्रॉम डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। आप लोग लिख सकते हो डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, हैमिल्टन प्रिंसिपल का डिराइवेशन करेंगे, ठीक है ना। तो डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है, वर्चुअल वर्क डन क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो हम लोग सब लोग पढ़ेंगे हम लोग साथ में, ठीक है ना। लेकिन पहले हम लोग ये समझ लेते हैं आज ये डिराइवेशन करने के लिए डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का जो मेन इक्वेशन है वही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना। डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल हमें कहता है कि एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मैंने क्या कहा, ये डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का जो मेन इक्वेशन है, जो कि हम लोग को डिराइव करना पड़ेगा, क्या अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए, लेकिन इसका सिर्फ एप्लीकेशन यहाँ पर यूज करते हैं। ये इक्वेशन में देखिए एफ आई मतलब क्या है, एफ आई मतलब टोटल फोर्स आप लोग कह सकते हो, है ना, जो कि होता है, देखिए फोर्स जो होता है ऐसा होता है, एफ आई होता है ना, जो कि होता है एफ अप्लाइड फोर्स होता है, यानी कि अप्लाइड फोर्स भी होता है, कॉन्स्टेंट फोर्स भी होता है, ये आप लोग बाद में समझेंगे। एफ मतलब आप लोग सिंपली फोर्स समझिए, ठीक है ना, आइच पार्टिकल के लिए फोर्स। पी आई डॉट, पी आई डॉट मतलब क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम का क्या, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएशन कर दे तब पी आई डॉट लिखते हैं। मोमेंटम को अगर हम पी आई लिखते हैं, अगर इसको मैं डी पी आई बाई डी टी कर दूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आई डॉट लिख सकते हैं ना। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग समझ रहे हो साइड, है ना। नेक्स्ट देखते हैं डेल आर आई इज इक्वल, ये इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ आई डेल आर आई तो यहाँ पर रहेंगे, माइनस पी आई डॉट डेल आर आई को अगर हम लोग उधर भेजें तो प्लस हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर आप लोगों को
बात समझना होगा, जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल आर मतलब क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एफ आई डॉट डेल आर का वैल्यू क्या होगा, डेल डब्ल्यू होगा, जो कि क्या है, वर्क डन है, और इसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल वर्क डन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल वर्क आप लोग कह सकते हो, है ना। इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन आप लोग सब यहाँ पर इसका यूज देखिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी नहीं होता है, वर्क डन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, जो कि वर्चुअल वर्क होता है यहाँ पर, ठीक है ना। वर्चुअल वर्क क्या है मैं आप लोगों को आगे समझाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है ना। डी एल एम्बर्स प्रिंसिपल तो हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट देखते हैं आप लोग, ये वाला तो हम लोग इक्वेशन नंबर वन देखे पुट कर देते हैं। अब पी आई डॉट डेल आर आई को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो पी आई मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग एम आर डॉट लिख सकते हैं, यानी कि आर डॉट मतलब क्या है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब क्या है, वेलोसिटी, तो इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर फिर से डॉट है पी आई डॉट, तो आर डबल डॉट हो जाएंगे, और एम तो कॉन्स्टेंट है, तो इसके ऊपर डॉट वॉट नहीं आता है, ठीक है ना। डॉट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन, तो एम आई आर आई डॉट ये वाला है ना। और आप लोग देखिए इस वाले इक्वेशन के मतलब रेस्पेक्ट में हम लोगों ने ये वाले इक्वेशन लिख दी है ना। ये वाले इक्वेशन को जब आप लोग सॉल्व करते हो, यानी कि आप लोग देखिए इस वाले इक्वेशन को आप लोग दूसरे वाले टर्म को मत देखिए, पहले वाले टर्म को आप लोग जब डिफरेंशिएशन करते हो तो ये वाला टर्म प्लस में आता है, साथ में इसको जब आप लोग डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म साथ में क्या आता है, प्लस में आता है, तो ये वाले कैंसिल हो जाते हैं, हम लोग को यही वाला मिलता है, हम लोग क्या मिलता है, यही वाला मिलता है। आप लोग घर में कर लेना, यहाँ पर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगी इसलिए मैंने नहीं कहा, आप लोग सिर्फ याद रख लीजिए है ना। इसको जब आप लोग सॉल्व करते हो ये पूरे टर्म को, तो आप लोग को उल्टा यही मिलता है ना, जो कि पहले वाले स्टेप में था, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट में हम लोगों ने यही वाला स्टेप फिर से क्या कर दिया, अगर आप लोगों को इसका भी कैसे हम लोग ये इसे सॉल्व करेंगे नहीं पता, तो मुझे वीडियो बनाना, सिर्फ डिराइवेशन पार्ट का ही मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखना, इसका क्या होगा, ये वाला तो एग्जैक्टली सेम है, नेक्स्ट वाले को आप लोग ध्यान से देखना, अगर मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट कर दूँ तब ये ऊपर वाला टर्म मिलता है ना, लेकिन हम लोग इसे क्या करें, थोड़ा सा रीअरेंज करें, अगर मैं इस नीचे वाले ये वाले टर्म को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो ये ऊपर वाले टर्म मुझे मिल सकता है ना, कि मिलेंगे ही, ठीक है ना। तो आप लोग कैसे मिलेंगे वो आप लोग बाद में देखना, जैसे कि देखिए आर आई को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, टू आर आई निकले तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर से यही वाला मिलेंगे हम लोग को, है ना। आप लोग ध्यान से देखना, तो फिर यहाँ पर सिर्फ आप लोग को याद रखना है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग को क्या मिला, देखिए डेल डब्ल्यू है ये किसके बराबर है, एफ आई डेल आर आई, तो एफ आई डेल आर आई की जगह पर मैं डेल डब्ल्यू लिख सकता हूँ, यानी कि डेल डब्ल्यू जो है ना, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी आई डॉट डेल आर आई होगा, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी आई डॉट डेल आर आई होगा, है ना। तो पी आई डॉट डेल आर आई का वैल्यू ये वाला है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू ये वाला। ये क्या है, आर आई डॉट मतलब क्या है, वेलोसिटी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या है, टी, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या है, टी, तो यहाँ पर मैंने टी से रिप्लेस करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है ना। और ये वाला इक्वेशन मिल गया हमें। अब देखिए माइनस डेल टी इधर आएंगे तो प्लस डेल टी होगा, तो दोनों में से डेल को अगर मैं कॉमन, तो डेल ओमेगा प्लस टी होगा, है ना। और साथ में ये वाला टर्म एज इट इज बैठते जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखें, अगर मैं दोनों साइड पर इंटीग्रेशन कर दूँ, टी वन से टी टू, क्योंकि हम लोग को ये वाला इक्वेशन चाहिए, है ना, टी वन से टी टू अगर इंटीग्रेशन कर दूँ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, डी से टी टी कैंसिल, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, तो आप लोग को कैंसिल आउट दिखाना नहीं है, तो आप लोग से वैसे लिख सकते हो, लिमिट यहाँ पर सिर्फ पुट हो जाएंगे। अब मैंने आप लोग को बताया था कि एन पॉइंट पर, एन पॉइंट पर जो वेरिएशन होता है या चेंज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जो डेल आर आई है इसका वैल्यू जीरो हो जाएंगे, क्योंकि चेंज जीरो है, तो जीरो को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएंगे, जीरो ही होंगे, तो ये वाला वैल्यू हम लोग को मिल गया। और ये किसके लिए है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है, ये किसके लिए है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, जो डिराइवेशन पार्ट था हम लोगों ने खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ही मैं कर दूंगा, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप ध्यान से देखो, जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एफ आई डॉट डेल आर आई, है ना। यहाँ पर हम लोग को ये वाले वैल्यू पर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। फोर्स मतलब क्या होता है, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। फोर्स और निगेटिव पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। हम लोग कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल को अगर मैं वी से रिप्रेजेंट कर दूँ तो डेल आर आई, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो ये क्या हो, ये वाला, और साथ में डॉट डेल आर आई था, तो ये आर आई कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे क्या, एफ आई डॉट डेल आर आई की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल भी लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल भी। और यहाँ पर देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन, तो डेल डब्ल्यू के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डेल भी लिखेंगे, डेल डब्ल्यू के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस डेल भी लिखेंगे, ठीक है ना। आप लोग लिखना पहले डेल डब्ल्यू इक्वल टू ये वाला, इसके जगह पर ये, है ना। अब आप लोग यहाँ पर डेल डब्ल्यू के जगह पर रिप्लेस कर दीजिए, हम लोग ऐसे डेल डब्ल्यू प्लस डेल टी था, है ना, हम लोगों ने कॉमन ले लिया, डेल डब्ल्यू के जगह पर आप लोग माइनस डेल भी पुट कर दीजिए, प्लस डेल टी इज इक्वल टू जीरो, ये वाला रिजल्ट रहेंगे ही, माइनस टी वन से क्या है, टी वन से टी टू, आप लोग नीचे देख रहे हो ना, देख रहे हो, है ना। अब इन दोनों में से आप लोग ध्यान से देखना, दोनों में से अगर मैं कॉमन लो डेल और प्लस वाला आगे लिख लो, टी माइनस वी, और साथ में यहाँ पर इंटीग्रेशन तो होगा ही, टी वन से
टी टू इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी इज इक्वल टू क्या होगा साथ में जीरो। यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर डी टी वाला सिंबल आ जाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे, डी टी वाला सिंबल आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी साथ में डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और यही हम लोग को क्या करना था, डिराइव करना था। तो आप लोग वीडियो को समझ गए है ना। डिराइवेशन पार्ट अगर आप लोग को अलग से चाहिए तो मैं मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोग को बता दूंगा एक अलग से वीडियो। तो मिलते अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।